जो आज हुआ है ना, आज तो मेरे ख्याल में देखने वाले हम थोड़े से ही थे जब मीडिया को इन्होंने बाहर निकाल दिया, पब्लिक जो चार पांच पता नहीं कौन लोग थे, पब्लिक उनको भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद जज साहब ने कहा कि हम अपॉइंट कर रहे हैं, कोर्ट अपॉइंट कर रहा है दो डिफेंस के लॉयर्स, क्योंकि आपका लॉयर आया नहीं। और जो हमारा लॉयर है जुल्करनैन साहब, वो लाहौर में थे, उनकी दांत की कोई सर्जरी हुई हुई थी, वो कह रहे थे मैं बात भी नहीं कर सकता। और आम तौर पे आपने देखा होगा कि कोर्ट्स के अंदर कई दफ़ा होता है कि प्रोसिक्यूशन के लॉयर नहीं आए, जैसे पिछले हफ्ते प्रोसिक्यूशन के लॉयर नहीं आए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं ये कहा कि चलें अब डिफेंस की तरफ से आप वहाँ खड़े हो जाएं। लेकिन जो आज हुआ है वो एक बड़ी मिसालन एक किस्म की चीज़ हुई है कि जो रिजवान अब्बासी हैं वो प्रोसिक्यूटर हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं डिमांड करूंगा कैपिटल पनिशमेंट, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को सजाए मौत हो, ये वो डिमांड है उनकी, एक ये समझ लें। दूसरा, उन्हीं का जो एक असिस्टेंट था, जो हमारे लॉयर्स ने वहाँ पे वाजे किया कि आप ही का असिस्टेंट जो अक्टूबर नवंबर में आपके साथ आता था प्रोसिक्यूशन के लिए, आज जज साहब ने, जज जुल्करनैन ने उसी को खड़ा कर दिया इमरान खान और शाह महमूद को डिफेंड करने के लिए। इमरान खान ने खड़े होकर ये भी कहा, ये तो मैच फिक्स्ड है कि दोनों तरफ की टीमें, एक ही टीम दोनों तरफ से खेल रही है। और आज तो बहुत हैरानकुन दिन था, और लॉयर्स ने आके बताया कि नजम सेठी ने तो कल मेरे ख्याल में किसी प्रोग्राम में कह भी दिया है कि ये इलेक्शन से पहले इसका फैसला हो जाए। फैसला क्या होना है? सजाए मौत। ये सजाए मौत की तरफ जो डिमांड कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर, वो इमरान खान को किस चीज की सजाए मौत देना चाहते हैं ये भी सुन लें। अगर आपका मसला हम सबका ये हो गया कि हम साइफर साइफर सुन के भूल जाते हैं कि असल में ये बात क्या है, असल में बात ये है, एक अदद शख्स अमेरिकन, उसका नाम है डोनाल्ड लू, उसने एक पैगाम भेजा था जनरल बाजवा के लिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर का राइट बनता है। उन्होंने एक ओथ लिया हुआ है कि मैं अपने लोगों को बताऊंगा अगर कोई ऐसी बात हुई जो उनके मुफाद में या उनके नुकसान में हो, ये उन्होंने अहद किया हुआ है अपने लोगों के साथ, क्योंकि वो इलेक्ट होकर आए हैं। उन्होंने अपने लोगों को बता दिया कि आपके खिलाफ, आपके वोट के खिलाफ साजिश हुई है, वो बताने की सजा आज इमरान खान जेल में सजाए मौत फेस कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को क्यों बताया। तो एक ही अब तरीका है, वो इमरान खान आपको जो पैगाम उनका मैं आपको बताती हूँ, उनका पैगाम ये है कि जिस चीज़ से पूरे पाकिस्तान में हमारे थोड़े से लोग डर रहे हैं, वो है लोग, अवाम, अवाम को ये दबा के रखना चाहते हैं। उन्होंने पिछले 8 महीनों से इतना जुल्म कर दिया है कि मेरे ख्याल में अल्लाह के अंदर हम उम्मीद रखें, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा। अगर जो जुल्म सह चुके हैं, अल्लाह उसका, मेरे ख्याल में सबको, इन्हीं लोगों को अजर भी मिलेगा। लेकिन 8 तारीख को नहीं, उससे पहले कल 28 है ना, 28 इतवार को सब ने निकलना है, अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें, अपने हलकों में निकलें। यह आपका राइट है कि आप निकल सकें, आप निकल सकते हैं, आप अपने कैंपेन कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपको, जिन कैंडिडेट्स को अप्रूव किया है, वो कैंपेन कर सकते हैं। ये कोई नहीं आपसे ये हक ले सकता, आप ज़रूर निकलें। इमरान खान ने ये ख़ास पैगाम भेजा कि कल आपका निकलना बड़ा ज़रूरी है, ताकि ये जो खौफ के बोते हैं ये तोड़े जाएं। जितना आपके ऊपर 8 महीने में जुल्म हो चुका है, कोई बात नहीं, हम भी सब निकलेंगे इंशाल्लाह, हम भी निकलेंगे, आप सब ने निकलना है। और जो ये डोनाल्ड लू और ये बाजवा साहब का, जिनको बचाने की कोशिश हो रही है, फिक्र ना करें, अल्लाह भी देख रहा है, ये कामयाब नहीं होंगे इमरान खान को सजाए मौत देने में, क्योंकि हम सब खड़े हैं। और हमने बाहर जो केसेस कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसका बिल्कुल एक झलक दे देती हूँ।
हमारे अपने पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी वो केस करेंगे। और जो एक बहुत बड़ी डिमांड है कि इन मुल्कों ने जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, हमारे ही ये जुल्म करने वाले लोग, हमारे ही डाके डालने वाले लोगों को पनाह देते हैं। हम डिमांड करेंगे उन मुल्कों से कि इनके वीज़े कैंसिल किया जाए, यहाँ से जुल्म करके जज दिलावर की तरह हमारे साइफर के जज अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जैसे जज दिलावर लंदन भाग गए थे, इनके वीज़े कैंसिल होने चाहिए। यहाँ से अगर इनका किसी का ख्याल है अमेरिका जाएंगे, हम इनके ऊपर अमेरिका में जाके केस करेंगे इंशाल्लाह।